धारा 370 मिट चुकी है। धारा 370 एक इतिहास बनी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलके यहाँ धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलत फहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए, अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जाने दी है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे में है, जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के भारत का है, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है।